नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आ गया है चेन्नई मुट्ठी में। मुट्ठी में तो कल ही आ गया था, अब तो चेन्नई ऐसा है जेब में आ गया है। भारत इस टेस्ट मैच को जीतेगा, बड़े मार्जिन से जीतेगा, और चौथे दिन भारत की ये जीत होगी, क्योंकि आज का दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। हालांकि दूसरी पारी में भारत की 9 विकेटें गिरी हैं, लेकिन भारत ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, खासतौर से कप्तान विराट कोहली की 62 रन की पारी और रविचंद्रन अश्विन, सब कुछ उन्हीं के नाम चल रहा है, उन्होंने आज 100 भी बना दिया। तो भारत ने क्या किया, दूसरी पारी में 286 रन बनाए। 286 का मतलब है कि इंग्लैंड को चौथी पारी में इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए 482 का लक्ष्य दिया गया, या यूं कहें कि सवा दो दिन बैटिंग करके मैच बचाने का। लेकिन आज कुछ ही ओवर्स हुए और 53 रनों पर 3 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं, यानी कि अभी भी इंग्लैंड को 429 रन बनाने हैं। 2 दिन का वक्त है, भारत को सिर्फ 7 विकेटें चाहिए। आज 3 विकेटें गिर गई हैं। दरअसल वो आखिरी ओवर में जो रूट भी आउट हो गए थे, अगर भारत के अंपायर ने, थर्ड अंपायर ने वो फैसला पलटा ना होता, तो आज भारत जीत के बेहद करीब खड़ा है। सनी भाई मेरे साथ रहेंगे, जीत का जश्न तो कल मनाएंगे, लेकिन शुरुआत उसकी आज होगी। लेकिन इससे पहले एक्शन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज इस विकेट पर आपको बल्लेबाजी भी दिख गई, बल्कि ऑलराउंडर ने आके 100 भी बना दिया, विराट कोहली ने जबरदस्त 62 रन भी बना दिए। लेकिन वही बात है ना, आखिरी एक घंटा था इंग्लैंड के पास, एक घंटे में 3 विकेटें गिर गई सनी भाई, और जो रूट भी आउट हो जाते, ये टेस्ट मैच इंग्लैंड बचा नहीं सकता। कहते हैं कि क्रिकेट बड़ी अनिश्चितताओं का खेल है, कभी ये हो सकता है, कभी वो हो सकता है, लेकिन कम से कम ये नहीं होगा कि इंग्लैंड इस मैच को बचा ले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ये, मैं ये भी कहूंगा कि अगर उनको और एक पारी भी दे और 10 विकेटें भी दे, मतलब वो 482 रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास स्पिन खेलने की काबिलियत है नहीं। एक ही बंदा है जिसके पास वो काबिलियत है, वो है जो रूट। वो अभी तक अविजित है, अभी तक वो नाबाद है, पर फिर भी मैं नहीं मानता हूँ कि वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी करेगा कि इंग्लैंड की टीम 482 तक पहुंचे। सनी भाई, कई लोगों ने इस विकेट की तुलना की है बैंगलोर 1987, जो आपका आखिरी टेस्ट मैच हो गया था, आपके वो 96 रन की पारी टर्निंग ट्रैक पर। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाज ये वही हैं जिन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता, पहले टेस्ट मैच तो भारत कैचअप खेल रहा था, इंग्लैंड को क्या हो गया? क्या वो जहन से हार गए हैं कि भैया यहाँ तो बॉल बहुत घूम रहा है, हमारे पास वो स्किल नहीं है, वो कन्विक्शन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, वो पहले से हार गए थे। जब उन्होंने पहले दिन देखा कि गेंद थोड़ी सी घूम रही, तो उसी वक्त उनके मन में शंका पैदा होने लगी कि इस पिच पर हम कैसे खेलेंगे, क्या कर सकते हैं। अश्विन ने दिखाया आज, विराट कोहली ने आज दिखाया। पहले दिन तो कभी कभी पिच अच्छा होता है तो आप ये कह सकते हैं कि उस दिन भी अगर गेंद घूम रही थी, तो जिस तरह से रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने बैटिंग की, और उसके बाद में ऋषभ पंत ने जो फटाफट छक्के लगाए, तो इस पिच पर मुश्किल तो जरूर है, पर ये ऐसा नहीं कि बैटिंग करना नामुमकिन है। क्योंकि देखिए, अगर आप कदमों का अच्छा इस्तेमाल करें, आपकी आपके पास अच्छी सही तकनीक हो, तो फिर आप इस पिच पर रन कर सकते हैं, विकेट पर रोक भी सकते हैं। और ये जो सब चर्चा हो रही है उसे हम भूल जाए तो अच्छा है। चर्चा पे मैं वापस लेकर आता हूँ आपको, लेकिन क्योंकि चर्चा तो बहुत हो रही है, इंग्लैंड के कई फॉर्मर प्लेयर्स ने कह दिया यार इस विकेट पर टेस्ट मैच खेल रहे हो, कई लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कह रहे हैं, कोई कह रहे जी ICC को रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है सनी भाई कि ये टेस्ट मैच चौथे दिन गया है, चौथे दिन जो टेस्ट मैच डिसाइड हो रहा है, विकेट थोड़ा खराब है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस पर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। दूसरी बात, इंग्लैंड अपने बल्लेबाजों को तो कह सकता है कि भाई आपके पास वो टेक्निक नहीं है यहाँ पर बैटिंग करने की, लेकिन अपने गेंदबाजों को नहीं कहेगा कि कम से कम यहाँ पर कंडीशंस बनी हुई थी तो आपने भारत को 615 रन बनवा दिए। सबसे मजा ज्यादा ले रहे हैं शेन वॉन, और बार बार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ जी इंडिया ने इतने रन बना दिए, इंग्लैंड वालों तुमने तो कुछ किया नहीं विकेट को ब्लेम करने के अलावा। तो ये तो उनका तरीका है ना भाई, वो जब जब भी क्रिकेट खेलते हैं, आपने देखा होगा कि या तो उनकी मीडिया या तो उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स, वो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं कि ये वो ये वो। देखिए, इंग्लैंड में जब हरी पिच होती है, जहाँ पे बॉल सीम होता है, स्विंग होता है, और बाकी की टीम 40-50 में आउट होती है, जैसे कि 2-3 साल पहले स्टुअर्ट ब्रॉड ने 8 विकेट लेती ट्रेंट फिच पर, जहाँ ऑस्ट्रेलिया 40-46 कुछ ऑल आउट हुआ था, तब किसी ने पिच के बारे में कुछ कहा नहीं, किसी ने पिच के बारे में कंप्लेन नहीं किया। हमारी टीम जब जाती है इंग्लैंड, तो क्या उनको पाटा विकेट्स मिलती है? नहीं,
तो पर हमारी टीम क्या कंप्लेन करती है? हम लोग मानते हैं कि जब आप परदेश जाएंगे तो कंडीशंस अलग होगी, पिचेस अलग होंगी, तो उसका सामना करना पड़ेगा, और अगर अच्छी तरह से सामना करेंगे तो मैच जीत पाएंगे या मैच बचा पाएंगे। यहाँ पे पहले दिन से इंग्लैंड की टीम का सब नीचे था जब उन्होंने देखा कि ये हो रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि 615 रन अगर टीम कर रही है दो पारियों में, तो वो विकेट खराब कैसे है? वो विकेट टेस्ट क्रिकेट के लायक कैसे नहीं है, ये आप मुझे बताइए। सही बात है सनी भाई, जब विदेश में जाके भारत की टीम सीमिंग ट्रैक्स पर जल्दी आउट हो जाती है तो हम ये भी जानते हैं कि भारत के सीमर्स भी वहां पर विकेट लेते हैं, बात वहीं आ जाती है। लेकिन रविचंद्रन, विराट कोहली, हालांकि कंडीशंस जैसे मैंने फिर कहा आसान नहीं थे, और विराट भी जानते थे पहली पारी में जो उनकी ईगो को प्रिक किया था इंग्लैंड ने, उनको रन बनाने थे, ये 62 रन किसी 100 से कम नहीं। मुझे तो लगा यार यहाँ पे 100 बनाना बड़ा मुश्किल होगा, अश्विन ने तो 100 भी बना दिया। कोई ऐसी चीज है जो आज रविचंद्रन अश्विन नहीं कर सकते? सनी भाई, मुझे लगता है आवाज शायद उन तक नहीं जा रही, लेकिन जो सनी भाई ने कहा मूल बात वही है कि ठीक है अगर आप इंडिया आते हैं तो कंडीशंस कभी इतनी आसान नहीं होंगी विदेशी टीमों के लिए, जैसे भारत बाहर जाता है आसान नहीं होता। हकीकत यह है कि भारत ने पहले दिन 300 रन बनाए, हकीकत यह भी है कि आज इतनी विकेटें गिरने के बावजूद भी पूरे दिन 299 रन बने हैं। ऐसा नहीं है कि 12 विकेटें गिर गई या 13 विकेटें गिर गई और रन सिर्फ 150 बने हैं। इंग्लैंड ने हौसला भी छोड़ा है, अगर आप फिर से इंग्लैंड की वो तीन विकेटें देखें, अगर इंग्लैंड की वो तीन विकेटें एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर आएंगी तो आपको अंदाजा होगा कि इंग्लैंड ने वो सफेद रुमाल दिखा दिया। ये देखिए अक्षर पटेल और अश्विन, तीन विकेटें मिल चुकी हैं, ये पहला विकेट है सिडनी का। अब यहां पर जो विराट ने बैटिंग की या अश्विन ने बैटिंग की, वहां से भी इंग्लैंड ने सीखा नहीं, क्योंकि कन्विक्शन नाम की एक चिड़िया होती है, जब बल्लेबाज ये देखता है कि मैं आगे खेलूंगा या पीछे खेलूंगा। बड़ा बल्लेबाज भी यहां पर बीट होता है, लेकिन फिर बल्लेबाज वही बीट होने के बावजूद विकेट ना, जो आज विराट ने किया, जो आज रविचंद्रन अश्विन ने किया। लेकिन अश्विन ने तो कमाल किया है जी, इयान बॉथम ने 5 मरतबा ऐसा किया है कि एक टेस्ट मैच में 100 बनाया हो और एक पारी में 5 विकेट भी ली हो, लेकिन इससे बड़ा रिकॉर्ड उनके सामने खड़ा है। बहुत ज्यादा ऐसे ऑलराउंडर्स नहीं है क्रिकेट में जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 100 भी बनाया हो और 10 विकेटें भी ली हों। कुछ विकेटें रह गई हैं, उन्होंने 5 विकेटें ली थी पहली इनिंग में, एक यहां हो चुकी है, 7 विकेटें कल हैं, 4 विकेटें अगर अश्विन और लेते हैं तो फिर वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। खैर, भारत के लिए जबरदस्त दिन रहा है, तो 482 का टारगेट है 53 for 3, मतलब यह है कि आपको अभी भी 429 रन बनाने हैं जो बन नहीं सकते। सनी भाई कहते हैं कि जो मर्जी कर लीजिए, नतीजा भारत की फेवर में है। लेकिन मैं अश्विन की बात कर रहा था सनी भाई, कोई ऐसी चीज है गाना गाने के अलावा जो अश्विन नहीं कर सकते? 5 विकेट भी ले लेंगे, 100 भी बना देंगे, और हो सकता है कि इस टेस्ट मैच में 10 विकेटें और 100 रन भी बना दें। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए विकेट उनको मदद कर रही है, और मदद भी अगर नहीं करती तो उनके पास तो काबिलियत है, उनके पास फ्लाइट है, उनके पास इतनी सारी वैरायटी विविधता है, तो उससे वो विकेट तो ले सकते हैं। और जब किसी बंदे का कॉन्फिडेंस ऊपर होता है और अगर किसी ने 5 विकेट लिए पहली पारी में और उसके बाद में शतक भी लगाया हो, तो उसकी तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बड़ी ऊपर की होगी। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी 1 विकेट तो उन्होंने ले लिया, 7 विकेट बाकी है, 7 में से 4 लेना कोई मुश्किल बात नहीं होगी उनके लिए। हाँ, गाने के बारे में नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, पर मुझे 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 शिवराम कृष्णन ने बताया, लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने, कि वो अच्छा गाते भी है। लीजिए, यही रह गया था। और वैसे भी क्रिकेटर्स जो है वो गाने के साथ साथ फिर एक्टिंग तो कर ही लेंगे। सनी भाई, ये भी एक बात अब चलनी शुरू हो गई है, वो तो होता ही है ना कि जो चीज होती है उसी तरफ हम सब जाते हैं कि भाई अश्विन व्हाइट बॉल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? लोग कह रहे हैं यार आप उनको वनडे या T20 या दोनों में या कम से कम एक फॉर्मेट में तो खिला सकते हैं। जी हाँ, देखिए भारतीय पिचेस पर जरूर खिला सकते हैं, बाहर के पिचेस पर शायद आपकी बैलेंस के बारे में सोचना होगा, आपकी टीम कैसे संतुलित है। अभी तक तो जो सफेद बॉल की क्रिकेट में भारतीय टीम को जो सफलता मिली है अश्विन को बिना खेले हुए, तो मैं समझता हूँ कि अगर वैसे ही अगर आप चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अश्विन को मैं ये सोचता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के लिए आप रखेंगे तो अच्छा होगा।
उनके करियर के लिए और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। सनी भाई, विराट कोहली की बैटिंग आज की 62 रन की वो पारी, क्योंकि शुरू में लगा पहले 15-20 मिनट आज भी वो थोड़ा सा कहता ना कि बल्लेबाज का वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद जो एक टर्निंग ट्रैक के लिए जरूरत है, जो आप ही की पारी की मिसाल हमेशा दी जाती है, वो बैंगलोर वाला आपका लास्ट टेस्ट नॉक, कि आप जो करते हैं कन्विक्शन से करते हैं, आप गलती भी कर रहे हैं, बीट भी हो रहे हैं, लेकिन आप गेंद को अगली बॉल पे भूल जाएं, आप आगे जा रहे हैं तो कन्विक्शन से जाएं, आप पीछे खेल रहे हैं तो कन्विक्शन से जाएं। हाँ जी, देखिए वो जब बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी पिछली पारी में उन्होंने 0 रन बनाए थे, ऐसा लग रहा था कि पिछली पारी में भी उन्होंने 100 रन बनाए थे। जिस तरह से वो नो तड़पते आए, ऐसा लगा कि देखिए कितना कॉन्फिडेंस है इस बंदे में। हाँ, 15-20 गेंदे जरूर लगाए उन्होंने खाता खोलने के लिए, पर उसके बाद में जो उन्होंने तकनीक दिखाई, क्योंकि वो जिस तरह से वो गेंद के बिल्कुल नजदीक जा रहे थे, जिस तरह से झुक कर खेल रहे थे, जिस तरह से फिर उसके बाद में अगर गेंद थोड़ी सी छोटी होती, आधी पिच वाली होती, तो क्रीज का इस्तेमाल करके या तो पुल मार रहे थे या तो कट शॉट खेल रहे थे, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी जो थी वो उनका आत्मविश्वास। बिल्कुल, कि भले कुछ भी हुआ होगा पहले पारी में, हाँ मैं आउट हो गया था, पर कुछ भी हुआ होगा मैं इस पारी में रन करूंगा। और जब तक उन्होंने 40 रन नहीं बनाए थे, तब तक उन्होंने वो एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारने की कोशिश नहीं की जिसके प्रयास में वो पहली पारी में आउट हुए थे। यही तो एक महानता है कि पिछली गलती से सीखना, आगे अगर जाना है तो जो आपने गलती की है पिछली, उससे सीख कर उसको अवॉइड करें, और बिल्कुल वैसा उन्होंने किया आज। और सनी भाई, जिस कवर ड्राइव की आप बात कर रहे हैं, सेम वही मोइन अली का गेंद, आपने सही कहा 30-35 रन बल्ले के नीचे थे, वैसा ही गेंद था, और फर्क यह था कि इन्होंने अपने शरीर से दूर नहीं खेला और बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं मारा। यह भी एक गेम सेंस होती है कि यार मुझे टाइम करना है। लेकिन अब इंग्लैंड के लिए क्या है, ठीक है टेस्ट मैच वो हारेंगे, जैसे भारत पहला टेस्ट हारा, इंग्लैंड ये टेस्ट हारेगा, 1-1 हो जाएगा, इंग्लैंड इस हार से क्या निकाल सकता है, कल कौन सी ऐसी चीज है जो कहते हैं ना आप सैल्वेज कर सकते हैं? देखिए, एक ही चीज जो मैं कह सकता हूं कि बेन फोक्स की जो विकेट कीपिंग थी और जिस तरह से उन्होंने पहली पारी में बल्लेबाजी की, तो शायद उनका उपयोग आप कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए भी, क्योंकि अगर आपके ओपनिंग बल्लेबाज नहीं, सनी भाई कल की मैं बात कर रहा हूं, जो मैच बच गया है उसकी बात कर रहा हूं, जो कल जैसे उनके 7 विकेटें हाथ में है वो आएंगे अवेयर की शायद मैच नहीं बचा पाएंगे, लेकिन क्या ऐसी चीज है वो निकाल कर लेकर जाना चाहेंगे कल? कल कुछ नहीं हो सकता, मैंने जैसे कहा कि उनको और 10 विकेट भी दे दे फिर भी वो रन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक ही बात है कि अगर जो रूट लगे तो जो भारतीय जीत है वो थोड़ी देरी से आ जाएगी, मतलब टी के बाद आ सकती है, नहीं तो टी के पहले लंच के बाद में ये भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी। वो एक अंग्रेजी की कहावत है, डिले द इनेविटेबल बट यू कांट डिनाई इट, थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं लेकिन रास्ता बंद नहीं हो सकता। तो भारत की जीत, सनी भाई कह रहे हैं भारत की जीत कल है, किस वक्त आएगी वो मैटर नहीं करता, कितनी बड़ी होगी वो आप जानते हैं, बड़ी ही होगी। लेकिन कल हमारे साथ रही आज तक पर ना सिर्फ सुनील गावस्कर साहब हमारे साथ रहेंगे, बल्कि हरभजन सिंह रहेंगे, मदन लाल भी रहेंगे, और पूरा जीत का जश्न आपके साथ मनाया जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह सुबह से तो हम अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर लगी जाते हैं, हर सेशन में लाइव होता है, आप भी जुड़ते हैं, और रात 8 बजे आज के एजेंडा में जरूर जुड़िए। अगर अभी तक आपने YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे।